Hey guys, अब मैं रिया करने वाली हूँ ऑन वाह मेरे मार्क्स विद डैंक इंडियन मीम्स बाय मीमापुर. सो बिफोर आई स्टार्ट, हेलो आई एम रियली नाइको, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना. और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल. सो लेट्स गो. आपने शादी क्यों नहीं की? ये मत बोलना लड़की नहीं मिली वो बलराज का प्रॉब्लम है, आपका नहीं. अच्छी लड़की मिली थी, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाह रहा था. मेरे को तो बाहर एक आदमी बोला था, कहता सलमान भाई को अगर कोई हिरन ये भी बोले ना कि सलमान प्लीज मुझे उठा लो, तो सलमान भाई उठाते भी ऐसे हैं. अच्छा है. आपको तो पता ही ना, हाल ही में मैं भी हीरोइन बनी थी, उठा के दिखा दो ना प्लीज. नहीं नहीं, आपको तो ऊपर वाला उठाया. पूछू ना पूछू, केंड्रिक या ड्रेक? सर ड्रेक. जैसे वजह? तो कैसे हो वैसे हो, एक और एपिसोड में आप सभी का स्वागत है. गाइस जैसे कि आप सभी को पता है, मेरा हर एक वीडियो आप सबको बस हंसाने के लिए होता है, तो उसे बिल्कुल भी सीरियसली मत लेना, बस मजे लो. तो अगर वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को जो भी आपको अच्छा लगता है कमेंट में जरूर से बताना. तो हेडफोन लगा लो एंड बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तुम न्यू कमर्स के साथ भी काम करते हैं? जी बहुत. सो न्यू कमर एक्टर्स तुम्हारे पास आए जी, और हाउ इट इज नाउ डेज, यू नो द गर्ल्स वेयर लो कट टी शर्ट्स एंड स्टफ, और तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पैर छुए. मेरे पैर? आदर से प्रणाम करे. क्या बात करे? और ऐसा झुक कर बोले हाँ जी, ऐसा पैर छुए जी. तो जब वो छुरी होगी जी, तो तुम्हें उसके क्या दिखेंगे? पुराना ही मेथड है, पैसे खर्च करो गर्लफ्रेंड कुछ और क्या है. और वो दूसरा है तो आपको पता ही है, फिर दूसरा तो कहने वाला नहीं है, टीवी पे दिखाने वाला. कैसा? क्या कैसा? गड्ढे ते ना चढ़ दी, गंडीले ते ना चढ़ दी, छड़े आंदे टट्टू ते ठप चढ़ गई. बोलो तारा रारा. इसका मतलब क्या है? आप सिचुएशनशिप में कमिटमेंट क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो? सिचुएशनशिप में दो लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं विदाउट सेइंग कि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं. उनको एक दूसरे के साथ रहना है, बस उनको ये एडमिट नहीं करना कि उनको एक दूसरे के साथ रहना है, क्योंकि जैसे वो चीज बोल देंगे ये उनको तो नहीं चाहिए. आपका वर्जन है. अरे दुनिया का आपको पता है, मैं आज समझा हूं इतने सालों के बाद कि आरएसएस वाले वेस्टर्न कल्चर को अपोज क्यों करते हैं. करते देखा है, डांस करते हुए देखा है, अब एक गाना भी हो जाए. भाई आपका कुछ मेरी बहना बहना मेरी बहना. और अरे बेबी कैसे आऊं मैं, पहाड़ों में फंसा हूँ, रास्ता बंद है. बेबी मैं घर पे अकेली हूँ. क्या घर पे अकेली है? कॉफी में कैफीन पाया जाता है जो नींद को नहीं लगने देता है. अच्छा. और चाय में थीन पाया जाता है जो थकने नहीं देता है. तो अगर आपको थकान हो गया है तो चाय पीजिए, दूर हो जाएगा. नींद लग रहा है तो कॉफी पीजिए, भाग जाएगा. ठीक है समरिया. लेकिन यूपी बिहार वाला आदमी एक्स्ट्रा टैलेंटेड होता है, चाय बनाता है उसमें तनी सा कॉफी डाल देता है, थकान और नींद दोनों को. आज का हुआ था, कब मनाया जाता है 15 अगस्त? आजादी हुआ था, आजादी मिला था. आजादी मिला था. अबे पूरा उड़ जाएगा बंगलोर. काहे आजादी? किससे आजादी मिला? किससे? महात्मा गांधी से. माय के ये तो फीकी है. फीकी? हाँ लो तुम पी के देखो. मैंने खुद अपने हाथों से चीनी डाली थी, बिल्कुल सही है. अब मीठी हो गई. इसका एक ही इलाज है, हरिहर बांस ले आओ काट के, हरिहर का बांस. अब भी मस्तक फूरो जब तक थक न जाए. क्या बोलने का? सीरियसली शायरी सुनोगे का? सुनो सुनो सरपंच जी. सुना रहे हैं, सुना रहे हैं. गीता मैम के लिए लाया हूँ बस. हाँ, एक बोलो बोलो. शीशी भरी गुलाब की शी चाटा लगा, मैडम तेरी जान में मेरा सुसु निकल गया. क्या करूँ यार, सबको आती नहीं. क्या करूँ यार, सबको आती नहीं, मेरी आ जाती है, इतनी आती है और इतनी निकलती है. लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, लॉन्ग ड्राइव पे चल चल चल, साइकिल साइकिल वो मार.
रोशन चेहरा, बालों का रंग सुनहरा, बालों का रंग सुनहरा, बालों का रंग सुनहरा, अबे बाल कहाँ है? सड़कों पे चले जब लड़कों के दिलों में तू आग लगा दे बेबी, गजब बेइज्जती है। लेकिन एक सेकंड, ये भेदभाव क्यों? क्या तुम्हें पता है कुछ मकड़ियां माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलती हैं, सिर्फ अपने बचाव के लिए। मुझे ये जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें पता है ये जो मकड़ियां हैं अपना रंग बदल सकती हैं माहौल के हिसाब से। I got married because my biological clock was ticking. अच्छा? ये ज़्यादातर लड़कियों के बारे में कहा जाता है। Right. My biological clock was ticking. हाँ. And cuckoo would come out twice a day. So it was very suggestive कि what the cuckoo is. समझ रहे हो? That's very stubborn cuckoo. समझ रहे हो ना? And you have to do whatever that cuckoo tells you to do. And then you wash your hands. गंदी पानी हो रही है। आदत है, प्रैक्टिस है मेरा, क्योंकि आई डू इट फॉर माई वाइफ। पहले ये देखो, हमारे अक्कू भाई कौवे बुलाएंगे। क्या बात कर रहे? देख लो अभी आसमान खाली है, कहीं भी एक भी नहीं है, नजर नहीं आ रहा है, देख लो। हेलो रेडी? आप ये देखो, सही आ गई है, देखो ये आना चालू हो गए। अरे अरे ये आ रहे, देख लो, देखो चलो देख लो। में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। बीवी सोची थी कैटरीना जैसी, नकली होठ लगाए हुए हैं। फिर मोहब्बत कर, मजा आया। So, रुको जरा, गाना बजाओ। खैनी रगड़ के ताली गरम बा, तोहर लाल साड़ी तो बजर बा, हमरो बाल दाढ़ी पूरा गजब बा, बैकलेस बाईपास पर रोमांस, हेन तेन लव बाइट के निशान, मुंह से सिगरेट के गन, बटन खोल के चली तान, हमार शहर में रेंजे अजब बा, हम सीधा साधा लड़का बानी तोरा, हमार शेर शायरी से जल तेरा तौबा, 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 तौबा। गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए शुक्रिया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक बार लाइक कर दो, वीडियो को अपना दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और वीडियो में कौन सा आपको सबसे अच्छा लगा कौन में जरूर से बताओ। और गाइस इसके बाद एक बोनस मीम है, तो इसे बिल्कुल भी मिस मत करना। क्यों किया उसने पंछी के साथ ऐसे? मेरा मेरे को सबसे खतरनाक मीम कोई लगाया तो वो है सलमान खान, वो गाने वाला था एक, और एक था यार, और एक था, इतने सारे मीम्स हो गए कि मैं लिटरली भूल जाती हूँ कि कौन सा थे। नहीं वो सॉन्ग वाला, पुराने मूवीज वाला सॉन्ग, और वैसे ही मेरे को मीम्स वही वाले पसंद है जो पुराने टाइम के होते हैं, ताकि हम आंसर दे सके कि जब पेरेंट्स वगैरह बोलते ना मूवीज तो हमारे जमाने में होते थे, गाने तो हमारे जमाने में होते थे, ना 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 ना। एंड महीम जी इज ऑल ओवर, मेरे को उनका जोक समझ में नहीं आया, बस इतना समझ में आ गया कि कुछ तो गंदा होगा। एंड बोलो तारा रारा इज अ डबल मीनिंग सॉन्ग, ये मैं नहीं जानती थी, अगर आपको पता होगा तो आप मुझे बताओ। और वो सिचुएशनशिप वगैरह ना,
वो भी ऐसा था कि लाइक लिटरली लोग कहां से कहां पहुंच रहे हैं। मैंने उस वीडियो में उसके बारे में ब्रीफली बात किया है, तो आप जाके जरूर देखना। बट मीम्स बड़े खतरनाक थे। गांधी जी से आजादी, 15 अगस्त आपको गांधी जी से आजादी मिली थी। गाइस समझ में आ गया, आप शायद भूल गए होंगे, बट हमको गांधी जी से आजादी मिली थी। माय गॉड, इट वाज खतरनाक मीम्स, वो वेरी खतरनाक। आलू अर्जुन को भी मिस कर रही थी ऐसे, जैसे बहुत दिनों से मैंने देखा नहीं था उनको, तो लिटरली देख लिया फाइनली मैंने। एंड या आई एम वेटिंग फॉर पुष्पा टू। अब बताओ आपसे खतर, आपको सबसे खतरनाक मीम कौन सा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे जरूर बताने, तो मेरा रिएक्शन जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस। हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल के ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत मियाले सा, बाय।